हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले। आज के हम इस लेसन में डिटेल हिंदी अनुवाद जानेंगे, यानी हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे, द रोड नॉट टेकन। एक्चुअली यह पोयम क्या कहता है या इस पोयम के बारे में डिटेल जानकारी हिंदी में हम लोग लेंगे। यह इस लेसन के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अमेरिकन पोएट हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है। तो आज इस पूरे लेसन के भाव को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें मेनली चॉइस की बात है कि हम अपने जीवन में रास्तों का चुनाव करते हैं कि हमें किस रास्ते जाना है, हमें इस रास्ते जाना है कि उस रास्ते जाना है। और जो हम रास्ता पकड़ कर जाते हैं उसी रास्ते से हमारे जीवन का निर्माण होता है, यानी हमारी ज़िंदगी का निर्माण होता है। हम अच्छा रास्ता चुनते हैं तो अच्छा जगह जाते हैं और ख़राब रास्ता चुनते हैं तो ख़राब जगह जाते हैं। तो आइए आज इस पूरे पोयम को हम समझेंगे पैराग्राफ वाइज, स्टेंजा वाइज। इसमें लेसन का टाइटल है दी रोड नॉट टेकन, यानी पोयम का टाइटल है दी रोड नॉट टेकन। इसका यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेदर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। इसका हिंदी अनुवाद है, एक बार सड़क पर चलते चलते कवि ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से सड़क दो भागों में विभक्त थी, यानी दो तरफ से रास्ता बटा हुआ था। दो सड़कें पीत वन, यानी सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण पीत में जा रही थी। यानी दुख की बात थी कि अकेला व्यक्ति होने के कारण मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। मैं देर तक खड़ा रहा तथा एक सड़क को दूर वहां तक देखता रहा जहां दूर तक मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त हो जाती थी। वह अनिश्चित की एक दुविधा की स्थिति में था कि राह को किस राह को चुने। वो इस दुविधा में पड़ा हुआ था कवि कि किस रास्ते को वो चुने। सेकेंड इसमें पैराग्राफ है, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दाउ एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देन रियली अबाउट द शेम। कुछ देर अनिश्चय से एक सड़क को काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद तब मैंने दूसरा मार्ग चुना जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला, और शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो। इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि इस पर घास उगी थी तथा इस पर कोई नहीं चला था। यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर भी चलने के चिन्ह हैं तथा यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था। इसमें थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड स्टेंजा, एंड बाथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स अन टू द वे आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। नेक्स्ट स्टेंजा का मतलब है, और उस सुबह दोनों मार्गों पर समान पत्तियां बिछी थीं जो समान रूप से हरी थीं और किन्हीं पद चिन्हों ने उन पर कोई काले निशान नहीं छोड़े थे। उनसे निर्णय लिया कि अरे, मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, यह जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ सकूंगा। इसका लास्ट स्टेंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। मैं आज से युगो युगो बाद भविष्य में, अर्थात काफ़ी समय बाद, मैं एक आह भरकर मैं बता रहा हूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में फटी थी और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।